हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल आरोही क्लासेस में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा डायरेक्ट मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशंस। यदि दोनों संख्याएं फर्स्ट टाइप यदि दोनों संख्याओं के इकाई के अंक 5 हैं और दहाई के अंक समान हैं, मींस आपके यूनिट आपका नंबर 5 है और जो दहाई का अंक है वो आपके सेम है, तो तब आपको ये मेथड फॉलो करना पड़ेगा। सो वी आर टेकिंग द फर्स्ट एग्जाम्पल 85 मल्टीप्लाई 85। ओके, इस मल्टीप्लीकेशन में आप देख सकते हैं दोनों 5 5, इकाई के अंक जो हैं 5 हैं और दहाई के अंक सेम हैं 8 8। ओके, सो हाउ टू सॉल्व दिस डायरेक्टली। सो फर्स्ट आपको क्या पड़ेगा, 5 मल्टीप्लाई 5 दैट इज इक्वल टू 25 एंड 8 into 8 + 1 दैट इज इक्वल टू 72। सो योर फाइनल आंसर विल बी 7225। ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व बाई अप्लाइंग दिस मैथड। वी टेक अनदर एग्जाम्पल सीयर इन द सेकेंड क्वेश्चन वी हैव 9.5 मल्टीप्लाई 9.5। सो यू कैन सी दैट दिस कंडीशन फुलफिल हेयर। योर फर्स्ट नंबर इज 5, ओके, इकाई का अंक जो है वो आपका 5 है और दहाई का अंक समान है 9 9। ओके, सेम फर्स्ट यू कैलकुलेट 5 मल्टीप्लाई 5 दैट इज इक्वल टू 25 एंड 9 into 9 + 1 दैट इज इक्वल टू 90। सो योर फाइनल आंसर इज 90.25। ओके, ये दशमलव का हम दो अंकों से पहले लगा देंगे। ओके, सो योर फाइनल आंसर इज 90.25। नाउ वी टेक अनदर एग्जाम्पल 155 मल्टीप्लाई 155। यू कैन सी दिस कंडीशन इज ऑल्सो फुलफिल इन दिस एग्जाम्पल। फर्स्ट नंबर इज 5 5, बोथ आर एंड बाकी जो नंबर है 15 15, ये सेम है। ओके, सो अगेन वी अप्लाई दिस मैथड, 5 into 5 दैट इज इक्वल टू 25 एंड 15 multiply 15 + 1 दैट इज इक्वल टू 240। नाउ योर फाइनल आंसर इज 24025। ओके, सो दैट्स हाउ वी कैन कैलकुलेट इफ दिस कंडीशन इज फुलफिल, मीन्स अगर आपका इकाई के अंक 5 है और दहाई का अंक सेम है तो हम ये वाला मेथड यूज करेंगे। इन सेकेंड टाइप यदि इकाई के अंकों का जोड़ 10 हो और दहाई के अंक समान हो, मीन्स इकाई के अंक 7 + 3 दैट इज इक्वल टू 10, इन दोनों का जो सम है वो 10 हो और दहाई के अंक समान हो, तो उसमें हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। फर्स्ट मल्टीप्लाई इकाई के अंक के जो है उनको मल्टीप्लाई कीजिए, 7 multiply 3 दैट इज इक्वल टू 21 एंड 9 into 9 + 1 दैट इज इक्वल टू 90। सो योर फाइनल आंसर विल बी 90.9021। ओके, लाइक दिस टेक अनदर एग्जाम्पल 6.2 multiply 6.8। सो यू कैन सी हियर 8 + 2 इक्वल टू 10 एंड जो दहाई का अंक है वो समान है, तो हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे इसमें, 8 multiply 2 दैट इज इक्वल टू 16 एंड 6 multiply 6 + 1 दैट इज इक्वल टू 42। सो योर आंसर विल बी 42.16। एक और एग्जांपल लेते हैं, 194 multiply 196। अगेन यू कैन सी 6 + 4 दैट इज इक्वल टू 10 एंड सेम 19 19, बोथ आर सेम। सो 6 multiply 4 दैट इज इक्वल टू 24 एंड 19 into 19 + 1 ब्रैकेट 19 + 1 दैट इज इक्वल टू 380। सो योर फाइनल आंसर इक्वल टू 380.24। इन थर्ड टाइप यदि इकाई के अंकों के स्थान पर 5 हो और दहाई के अंकों का योग सम संख्या हो तो क्या होगा। वी आर टेकिंग फर्स्ट एग्जाम्पल 95 into 75। तो यहाँ पे आप देखिए इसके जो इकाई के अंक हैं दोनों सेम हैं 5 5 और दहाई के अंक 9 + 7 दैट इज इक्वल टू 16 मीन्स सम। ओके, सम नंबर, इवन नंबर। सो इसमें हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, फर्स्ट 5 multiply 5 दैट इज इक्वल टू 25 एंड 7 multiply 9 जो दहाई के अंक हैं 7 multiply 9 प्लस वी आर टेकिंग द एवरेज ऑफ बोथ नंबर 7 + 9। ओके,
7 into 9 plus half of 7 plus 9, that is equal to 71. So your final answer is 7125. Now take another example, 245 multiply 165. So again see here, in this question, इकाई के अंक दोनों सेम है, 5 है, 55, और जो दहाई के अंक है, उन दोनों का सम है 40, ओके, 24 plus 16, that is equal to 40, that is again even number, sum number, ओके, so इसको भी हम ऐसे ही solve करेंगे, 5 into 5, that is equal to 25, and 16 into 24 plus average of these two number, okay. So your final answer will be 40425. See here, 40425. This is your final answer. Now type 4. Fourth type में क्या है? यदि इकाई के अंकों के स्थान पर 5 हो और दहाई के अंकों का योग विषम संख्या हो. विषम means odd number. Okay. So you can see here. इकाई के अंक पर 5 है, दोनों में 5-5 है, और जो दहाई के अंक है उनका जो सम है वो ऑड नंबर है, 7 प्लस 4 इक्वल टू 11, दैट इज ऑड नंबर. उस केस में क्या करेंगे, वी विल मल्टीप्लाई 5 इंटू 5 प्लस 10, इसमें 10 और जोड़ देंगे, 5 इंटू 5 प्लस 10, दैट इज इक्वल टू 75, एंड दहाई के अंक का क्या करेंगे, 4 मल्टीप्लाई 7 प्लस sum of both number and we will minus 1, we will take this first we sum both number and hum usme se ek number 1 ko ghatayenge and then we will take the average half of that number, 7 plus 4 minus 1 divided by 2, so that is equal to 33, okay. So your final answer will be 3375. So this is your final answer. Take another example, 125 multiply 135. So you can again see here, इकाई के अंक पे 5 है और जो दहाई के अंक है उनका जो सम है वो आपका odd number है, 12 plus 13, that is equal to 25. 25 is a odd number. So इसको कैसे solve करेंगे, same method, 5, see here, 5 into 5 plus 10. 5 into 5 plus 10, that is equal to 75. And जो दहाई के अंक है, 13 multiply 12 plus 12 plus 13 minus 1 divide by 2. Okay. So your after solving this, we will get 168. So your final answer will be 16875. So that's how you can solve these type of numericals by using direct method of multiplications. Okay. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और